नगर में दुर्गा पूजा की धूम रही। नवमी होने के कारण श्रद्धालुओं ने नगर के सभी पंडालों में परिवार संग पहुंचकर हाजिरी लगाई। पंडाल से लेकर सड़कों तक भारी भीड़ पटी रही। सनातन धर्म इंटर कॉलेज नई सड़क में अपार भीड़ उमड़ पड़ी। आयोजकों ने बताया कि खासियत इस वर्ष माता 24 फीट नीचे से ऊपर साउंड और लेजर लाइट के बीच आ रही है, जो आकर्षण बना हुआ है। पहला पंडाल है जहां मां की झांकी की आरती हो रही है। गंगा आरती की तर्ज पर माता का भक्ति गीतों के साथ कार्यक्रम हो रहा है। विद्युत झालरों की आकर्षक सजावट भी लोगों को खूब भा रही है। पूरे क्षेत्र सहित पंडालों में भारी पुलिस बल का सहयोग मिल रहा है, जो शरारती तत्वों पर बराबर अपनी नजर रखे हुए है। पंडाल के वॉलेंटियर भी जगह जगह भीड़ को नियंत्रित कर पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। कहता है महादेव, चाहिए महादेव, कीजिए अपना कर्तव्य पूर्ण। आप मेरे द्वारपाल है ना, इस संकट से बचाइए मुझे। दुर्गमा सर, तुम्हारा द्वारपाल इसीलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन ही कर रहा। तुम्हीं ने कहा तुम्हें इस युद्ध से मुक्ति चाहिए, तो इस मार्ग से हटकर मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। जन सैलाब उबड़ा है, भीड़ नहीं। अभी अभी हम लोग गंगा आरती और माँ दुर्गा का आरती, जो किसी पंडाल में नहीं होता है, जो मेरे पंडाल में दिखाया गया, और इससे दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा पसंद हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए और देख रहे हैं। जैसा कि हमारे पंडाल में हजारों की संख्या में भीड़ चपी हुई है माँ का लेजर शो देखने के लिए, और साथ ही लेजर शो और 24 फीट की प्रतिमा धरती से माँ ऊपर आ रही हैं, और उसके बाद महिषासुर का वध करेंगी, और हम लोग उसके बाद केदार धाम बनाए हुए हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और इसके बाद एक माँ वैष्णो का हम लोग एक झांकी बनाए हुए हैं, वहीं से माँ दुर्गा का हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। प्रशासन के गाइडलाइन से हम लोग सारी व्यवस्था किए हैं। अपने पूजा पंडाल में फायर ब्रिगेड रखे हुए हैं, आग से बचने का सारा इंतजाम हमने किया है। सीसी कैमरा भी हमने लगवाया है चारों तरफ पंडाल के अंदर, और प्रशासन के लोग भी थोड़ी थोड़ी देर में आके हम लोगों से पूछ रहे हैं, हम लोग के साथ मिलजुल कर हैं, एकदम बढ़िया से है। ये जन सैलाब पूरे उत्तर प्रदेश से बनारस में सनातन की ओर उमड़ चुका है। सनातन धर्मी हैं हम लोग, सनातन की रक्षा के लिए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उस लिए जनता इस ओर आ रही है। हमारी व्यवस्था, हमारे वॉलंटियर, हमारे पदाधिकारी, हमारे संरक्षक, हमारे सारे लोग जनता की सेवा में लगे हुए हैं निरंतर। आपके सामने सीज फायर खड़ा हुआ है और अंदर भी सीज फायर की टंकी लगी हुई है। बालू पानी सारी व्यवस्था हमारे पंडाल के अंदर मौजूद है। प्रशासन हम लोग के साथ दम पदम देख रहे हैं, आप पूरी ड्यूटी पे लगी हुई है। प्रशासन हमारे साथ मिलके हमारे जनता की सेवा में लगी हुई है।